हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवारों में सुख शांति रहे। हमारे परिवार में रहने वाले किसी भी सदस्य के शरीर पर कोई भी कष्ट ना हो। अगर परिवार का माहौल अच्छा होगा, अगर परिवार का माहौल पॉजिटिव होगा, तभी उस परिवार में सुख शांति बनी रह सकती है। पैसा होना जितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ सुख शांति का होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सुखी हैं, अगर आप आनंदित हैं, तो पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप सुखी नहीं हैं, तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन पैसा आपको हर समय खुश नहीं रख सकता। खुश रहना पड़ेगा आपको अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, दूसरों के प्रति आपके मन में आदर होगा, दूसरे आपसे प्रसन्न होंगे, तभी आप दूसरों से प्रसन्न रहोगे और अपने आप घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन कई बार घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में आने वाले संकट से पहले हमें एक इशारा करती हैं। कई बार हम उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं या उन संकेतों के बारे में कई बार हमें नहीं पता होता जो घर में दरिद्रता आने का संकेत देती हैं। अगर हम इन बातों पर गौर करते हैं तो आने वाले संकट के बारे में हमें बहुत हद तक पता चल जाता है और भगवान से हम उन संकटों को टालने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो घर में आने वाले बुरे समय की तरफ भी इशारा पहले से कर देते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी बातें जो अगर आपके घर में भी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में भी दरिद्रता या आपके घर में भी कोई कष्ट आने वाला है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय साथियों, धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी ज्योतिष मिराकल चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओंकार विन्दु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज का यह महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर के। अक्सर हमारे पास कुछ भक्तों के प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमारे घर में अकारण लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, या कभी कोई घर का ठीक ठाक व्यक्ति एकदम से बीमार पड़ गया, या घर में कोई एकदम से कष्ट आ गया, तो ऐसा क्यों होता है। साथियों, इनके संकेत आपको बहुत पहले मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप उन संकेतों पर गौर नहीं करते। अब जो संकेत मैं आपको बताने वाला हूँ, ये संकेत आपको इशारा करेंगे कि आपके घर में कोई संकट या आपके घर में कोई कष्टी आने वाली है। समय रहते आप इनका निदान करिए, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि अगर हमारे परिवार पर कोई कष्ट है, अगर हमारे परिवार पर कोई बुरा समय है, आप उसे टालिए। भगवान की कृपा से आपके परिवार में सुख रहेगा, शांति रहेगी और आप आनंदित रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले संकेत के बारे में अगर बात करें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह हरा भरा है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत उस तुलसी के पौधे में नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ वह पौधा खड़ा है, लेकिन एकदम से अगर वह तुलसी का पौधा सूखने लगे, उसकी पत्तियां मुरझाने लगे और कुछ ही दिनों में वह तुलसी का पौधा पूरा सूख जाए, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है। अगर आपके घर में भी
अच्छा हरा भरा तुलसी का पौधा एकदम से निर्जीव होने लगे, एकदम से सूख जाए, तो समझ जाइए कि परिवार के किसी सदस्य पर बड़ा कष्ट आने वाला है या परिवार में रहने वाला कोई भी सदस्य बीमारी की चपेट में आ सकता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाना एकदम से शुभ नहीं माना जाता, इसे कहीं ना कहीं अशुभ शकुनों की संज्ञा दी गई है। अगर आपके घर में भी रखा हुआ तुलसी का पेड़ एकदम से हरे भरे से सूखने लगे तो समझ जाइए कि परिवार में कहीं ना कहीं दरिद्रता आने वाली है। ये था पहला संकेत। अब बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। तो अगला संकेत है, जब भी आप कोई काम से अपने घर पर वापस आते हैं और वापस आने पर सबसे पहले आपको अपने घर में छिपकली के दर्शन हों। जी हाँ, जब आप अपने बाहर से अपने काम से घर पर लौटते हैं और लौटने पर सबसे पहले आपको छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो यह भी कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आपके घर में किसी न किसी तरह का कोई संकट या घर में किसी न किसी तरह का कोई कष्टी आने वाली है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपके घर में कांच का बर्तन टूटता है, जी हाँ, अगर आपके घर में कभी ना कभी नित्य रूप से कांच का कोई बर्तन लगातार आपके घर में टूटते रहते हैं तो यह भी अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि घर में कांच लगातार टूटना शुभ नहीं माना जाता और इसका अर्थ यह होता है कि परिवार में किसी तरह की कोई विपत्ति आ सकती है, परिवार में किसी न किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने का संकेत मिल रहा होता है। बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। अगर आपके घर में आपकी या किसी भी अन्य सदस्य की चप्पल बार बार उल्टी होती है, जी हाँ, लगातार अगर परिवार में चप्पल किसी की उल्टी होती है, बार बार किसी की चप्पल पलटती है, तो इसका अर्थ है उस सदस्य के शरीर पर किसी तरह का कोई रोग या वह सदस्य किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है या फिर उस सदस्य को कहीं ना कहीं अनचाही किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। अगर घर में जो छोटा बच्चा है वह झाड़ू उठा करके लगाने लगता है, जी हाँ, अगर घर का कोई छोटा बच्चा झाड़ू उठा करके घर में झाड़ू लगाने लगता है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई बिन बुलाया मेहमान आने वाला है। जी हाँ, जिस मेहमान की आप अपने घर पर आने की इच्छा नहीं रखते हैं, इसका अर्थ है कि वह मेहमान बहुत ही जल्द आपके घर में आने वाला है। प्रिय साथियों, इसके अलावा अगर आपने अपने घर में फूल वाले पेड़ लगाए हुए हैं या फलदार कोई पेड़ लगाए हुए हैं, अगर वह पेड़ सूखने लगे, उनके फल सूखने लगे या उन पेड़ों की पत्तियां सूखने लगे और पेड़ मुरझाने लगे, तो इसका अर्थ है कि बहुत जल्द धन से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्या आपको आने वाली है या कर्ज जैसी, लोन जैसी भयंकर समस्याओं का सामना भी भविष्य में आपको करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने अपने घर में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो समय समय पर उनको पानी देते रहिए, ध्यान रखें कि वह पेड़ पौधे सूखने ना पाएं, उनकी पत्तियां सूखने ना पाएं और वह सदा हरे भरे रहें, क्योंकि घर में लगे हुए पेड़ पौधे जितना अधिक हरे भरे रहेंगे, जितना अधिक स्वस्थ रहेंगे, उतना ही इनका पॉजिटिव रिजल्ट आपके ऊपर पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा इनका शुभ और सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होता रहेगा। बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। अगर आपके घर में दूध बार बार उबल करके गिरता है, जी हाँ, कई लोगों से, कई व्यक्तियों के ऐसे भी मत सुने हैं कि दूध का उबलना गिरना शुभ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में रोज दूध उबल करके बाहर निकलता है, उबल करके दूध बाहर गिरता है, तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके घर में भी ऐसा होता है,
तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आपको जमीन जायदाद से जुड़े हुए विवादों में आप पड़ सकते हैं या किसी बड़े सरकारी विवाद में आप पड़ सकते हैं। अगर आपके घर में दूध बार बार फटता है, बार बार दूध गैस से निकल करके नीचे गिरता है, तो इसका अर्थ है कि आपको किसी सरकारी वाद विवाद में पड़ने के आपके योग बन रहे हैं या लड़ाई झगड़ा होने के संकेत भी आपके बन रहे हैं। तो इन संकेतों को आप समझिए, इन संकेतों पर गौर करिए। अगर आपके साथ भी इन संकेतों में से कुछ होता है तो आपने इन संकेतों को समझना है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे शंकर महाराज, आने वाली समस्याओं को आप दूर करो, परिवार पर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उसको भी आप दूर करें, और भगवान शंकर जी की कृपा से आपके ऊपर आने वाला बड़े से बड़ा कष्ट भी टल सकता है, आपके परिवार में हमेशा सुख शांति रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, माता रानी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय माता की।